अब दिल्ली से मुसलमानों को खदेड़ने का हुआ ऐलान। टंके की चोट पर दी गई धमकी खुल्लम खुल्ला नफरत फैलाई। सतपाल मलिक की एक एक बात सच साबित हुई। पहले मणिपुर, फिर हरियाणा, अब आई दिल्ली की बारी। दिल्ली में थाने के ठीक सामने खड़े होकर मुसलमानों को दी गई धमकी भगवाधारियों की फौज के सामने बेबस खाकी। जिन्होंने शांति को भंग किया है उनको उत्तराखंड की तरह भगाएंगे या नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो, भगाएंगे या नहीं? आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर जैसा कि संगठन ने बोला है पुलिस प्रशासन से, यहाँ पर एक एक रेडी पटरी वाले की पहचान होनी चाहिए, एक एक किराएदार की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने अंदेशा जताया था कि सत्ता की हवस में बौखला चुके लोग किसी भी कीमत पर मुल्क की शांति छीन सकते। किया था ऐलान कि मणिपुर और हरियाणा तो सिर्फ झांकी है, अभी कई और जगह बाकी है, लेकिन तब ये नहीं बता पाए कि दिल्ली अगला टारगेट होगा। हिंदू हितों का हनन हुआ तो जिस शहर की सड़क पर बैरिगेटिंग पर लटक कर गुंडई का अद्भुत प्रदर्शन ये आदमी कर रहा है, उस शहर में सरकार रहती है, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, उसी शहर में बनी संसद में बना कानून पूरे देश में लागू होता है, उसी शहर में रहते हैं देश के हाकिम, रहते हैं गृह मंत्री, लेकिन अफसोस उन्हीं गृह मंत्री के कारिंदों के सामने ये आदमी खुलेआम देश के कानून को दिखाता रहा नीचा, उड़ाता रहा खिल्ली, तो पुलिस वालों ने भी पीट कर। भाइयों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सभी ने ये शपथ लेके जाना है, हमारे क्षेत्र में कोई भी नाई की दुकान हो उस नाई की दुकान का बहिष्कार होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, बहिष्कार करेंगे कि नहीं? हमारे क्षेत्र में जितनी भी रेडियो है वो सारी रेडियो खाली होनी चाहिए। दिल्ली से बहुत दूर है मणिपुर, तो साहिब के कानों तक शायद मरते हुए लोगों, अस्मत लुटती महिलाओं की चीखें नहीं पहुंच पाई होंगी, लेकिन हुजूर ये सब तो दिल्ली में हो रहा है जहां डंके की चोट पर किया गया ऐलान कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। हमारे क्षेत्र में जितनी भी रेडियो है वो सारी रेडियो खाली होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो, खाली करवाएंगे या नहीं? हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार है, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे, फेंकेंगे कि नहीं? जानता है ये आदमी इसकी बातों का विरोध तब तलक नहीं होगा जब तलक इसकी देह पर पड़ा है ये भगवा कुर्ता। तो उसी रंग से मिली ताकत की नुमाइश खुलेआम की गई, मुसलमानों को धमकाया गया, खदेड़ने का ऐलान किया गया। जिन्होंने शांति को भंग किया है उनको उत्तराखंड की तरह भगाएंगे या नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो, भगाएंगे या नहीं? आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर जैसा कि संगठन ने बोला है पुलिस प्रशासन से, यहाँ पर एक एक रेडी पटरी वाले की पहचान होनी चाहिए, एक एक किराएदार की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बात बात पर लोकतंत्र का राग लापने वालों, कानून की दुहाई देने वालों, सुन लो कान खोल कर कि तुम्हारी ही देन है कि अब इंसान इंसान नहीं रहा। स्पेशल डेस्क द कंटा।